गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज सुबह सुबह ओडिन बालकनी के प्लेटफॉर्म को साफ करने में लगा है। ये प्लेटफॉर्म काफी पोरस मटेरियल से बना है तो इसमें गंदगी अंदर चली जाती है और बाहर से साफ करने से साफ नहीं होती। ओडिन के पास ये प्रेशर वॉशिंग मशीन है, उसी से ये साफ करता है हमेशा। कल ओडिन के भैया आए थे शंघाई में किसी काम से और हमारे घर पे एक दिन रुके थे, तो आज वो जा रहे हैं। ओडिन उनको ट्रेन स्टेशन तक छोड़ने चले जाएगा और वो वहां से चांगचुन की ट्रेन पकड़ लेंगे। माइक जी अपना फोन घर पे ही भूल के चले गए हैं, नीचे दूसरे सिटी की तरफ रवाना, तो मैं उनको फोन देने के लिए जा रही हूँ। निकल जाएंगे, कॉल भी नहीं उठा रहा है। क्या कोइंसिडेंस, लिफ्ट में ही मिल गए। 15 minutes later, guys, मैं एकदम तपती धूप में निकली हूँ बाहर। आज मैंने सोचा है बहुत साल बाद मैं दोपहर में वॉक करने वाली हूँ। मैं कभी दोपहर में निकलती नहीं हूँ धूप में, बट आज मैंने मुंह को पूरा ढक लिया है ग्लासेस से और मास्क से। लोग देख रहे हैं, देखने दो। आई विल वॉक। ये पता नहीं कौन सी टोपी उठाई है मैंने, लगा ली बस धूप से बचने के लिए। ये कोई सामान मूव करने वाले ट्रक खड़ा हुआ है यहाँ पे। लेट्स गो गाइज। आज मैंने मोटे वाले शूज नहीं पहने, स्पोर्ट्स शूज मैंने आज पहना है। बेलीज, बेलीज के यहाँ पे फैशन नहीं है, आई जस्ट वेयर समटाइम्स। पेड़ के नीचे रेस्ट करते हुए रुचि। आज मैंने सोचा कितना भी पसीना आए मैं वॉक करूंगी, क्योंकि मैं पूरा टाइम घर पे रहती हूँ ना, कंटेंट होता नहीं है। इट गेट्स सो मोनोटोनस। पीपल आर लाइक कि आप व्लॉग क्यों नहीं बनाते ज्यादा, आप इतने कम व्लॉग्स क्यों बनाते हो, कंटेंट ही नहीं मिलता मुझे गाइस। तो मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा फोटो सेंसिटिव है, क्योंकि मैं रेटिनॉल्स यूज करती हूँ, इसलिए मैं बहुत डरती हूँ धूप से। रेड की ग्रीन लाइट कब होगी, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। यहाँ पे पेड़ पौधे कितने मस्त लगे हुए हैं। ये नए पौधे उगाए इन्होंने, पानी वानी दे के रखा हुआ है। सिटी ब्यूटिफिकेशन इतना करते है ना। ओ, बात करते करते मेरी ग्रीन की रेड होने वाली है लाइट, तो मुझे वेट करना पड़ेगा वॉक करने से पहले। इतने सारे ट्रक, ओ माई गॉड। इतना ट्रांसपोर्टेशन होता है, इतने ट्रक्स हैं, ट्रक्स ही ट्रक दिखते रहते हैं रोड्स पे। ये बंदे को बहुत ज्यादा धूप लग रही है, अभी आंखें बंद कर रहा था। ग्लासेस नहीं पहनते ना यहाँ पे लोग। He is like, I can't take it anymore. मुझे कोई इस धूप से बचाए, मैं आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ। ये एक और गार्ड है किसी सोसाइटी के शायद, मैं वेट कर रही हूँ ये ग्रीन हो जाए लाइट। कम ऑन ग्रीन। कुछ अंकल जी हैं जो खूब सारा सामान लेके जा रहे हैं। आई थिंक ये वर्कर हैं, मे बी रिपेयरमैन या रिपेयरमैन जैसे लग रहे हैं मुझे। ओके, मेरी लाइट ग्रीन हो गई, मैं वॉक कर रही हूँ। 2000 years later. इतने जल्दी ये लाइट बंद होती है ना, ग्रीन से रेड होती है, भाग के रोड क्रॉस करना पड़ता है। आई डोंट नो कि इतना शॉर्ट क्यों किया हुआ है इसको। पीली वाली बाइसिकल जो कि हम कभी यूज नहीं करते हैं। यू नो, मैंने जब शुरू में चैनल स्टार्ट किया था, मैंने सोचा था मैं बहुत व्लॉग्स बनाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। यू नो, सपनों में तो लोग क्या क्या सोचते हैं। बट देन मेरा इंट्रोवर्ट वाला ब्लॉक आ गया, यानी जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना उनकी मजबूरियां ये होती है कि वो अपने कंफर्टेबल पोजीशन को छोड़ ही नहीं पाते हैं। दे जस्ट लाइक टू हैव लाइक अ सेफ कंफर्टेबल स्पेस, वो बाहर निकल के ये सब कर नहीं पाते हैं। मे बी वो करना चाहते बट कर नहीं पाते हैं, यही हुआ मेरे साथ। एंड ओडिन इज लाइक यू शुड गो आउट एंड ऑल, आई एम लाइक नो, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, काम है घर पे। आई एम लाइक सिक एंड टायर्ड ऑफ दैट। ये हमारी सर्व सुंदर बसेस, आई रियली लव दिस बसेस, हमेशा खाली रहती है। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है चाइना का, खाली बसेस गाइस, खाली बसेस। और इतनी सुंदर क्लीन एसी वाली बसेस है यहाँ पे, सिर्फ 10 रुपए का टिकट है, कहीं भी चले जाओ। मुझे इंडिया की इतनी याद आती है, बट देन चाइना में हर चीज इतनी कन्वीनियंट है और लो लेवल करप्शन इतना कम है कि जीना बहुत आसान हो जाता है आम आदमी के लिए। एक्चुअली आई एम लविंग इट, आई एम लविंग गोइंग आउट राइट नाउ। मुझे लगता है हमेशा जब मैं घर पे होती हूँ कि बाहर जाने पे मुझे इतना अच्छा नहीं लगेगा, आई वॉज सो हैप्पी एट होम, और मैं इतनी शाय हूँ, मैं व्लॉग तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊंगी। बट नाउ दैट आई एम आउट, मुझे लगता है लाइक पीपल डोंट केयर, पीपल आर नॉट लुकिंग एट मी, आई कैन रिकॉर्ड अ व्लॉग एंड एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। व्हाई एम आई ऑलवेज एट होम गाइस, व्हाई? लुक एट दैट ब्यूटीफुल स्ट्रीट गाइस।
यहाँ पे एल्डरली कपल जा रहे हैं, एल्डरली कपल काफी लविंग है यहाँ पे, काफी हाथ में हाथ रख के जाते, देखो दोनों ने पकड़ के रखा है ये, वेरी नाइस। इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ यंग कपल्स, यंग कपल्स है काम में और फोन में एकदम बिजी रहते हैं, यहाँ पे उल्टा ही है। आई एम सॉरी अगेन आपको, मुझे मास्क में से देखना पड़ रहा है। एनीवेज आई एम हैप्पी गाइस, आई एम हैप्पी, हवा बहुत अच्छी चल रही है, गर्मी ऑलमोस्ट खत्म हो गई चाइना में ऑलमोस्ट, और काफी यानी पसीने नहीं आ रहे मुझे ज्यादा। यहाँ पे पत्ते उठाने वाले अंकल जी हैं, यहाँ पे एक और तरह का प्लांट लगा रखा है इन्होंने, पता नहीं कौन सा है, नए नए प्लांट्स लगाते हैं यहाँ पे, कुछ तो प्लांट्स है दूसरे कंट्री से लेके आते हैं एग्जॉटिक दिखने के लिए। और ये घास इनको बड़ी पसंद है शंघाई में, ये घास ना बहुत बड़ी है, बड़ी हो जाती है ना तो एकदम घनी हो जाती है और उसमें कीड़े मकोड़े नहीं पनपते हैं इस घास पे, बहुत सॉफ्ट रहती है, जूते साफ कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ वहां पे जाऊँ, ये फैमिली मार्ट है गाइस, लॉसन और फैमिली मार्ट चाइना में बड़े पॉपुलर है, ओडिन और उसका भाई चले गए हैं तो मैं यहाँ से कुछ खरीदने वाली हूँ, देखती हूँ क्या मिलता है। एक्चुअली ये एक बहाना है आप लोगों को दिखाने का फैमिली मार्ट, मैं ज्यादातर बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, खुद ही बनाती हूँ, बट लेट्स सी गाइस। एक और थोड़े एल्डरली टाइप के कपल देखो, हाथ में हाथ रख के जा रहे हैं यहाँ पे, एकदम एटलीस्ट लाइक 50 प्लस है, वेरी नाइस, यू विल नॉट सी अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स डूइंग दैट। ये रहा ये सिनेमा मोड स्पा, फूट बाथ सिनेमा मोड स्पा, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा होटल है जहाँ पे हम गए नहीं है, काफी महंगा है आई थिंक, बट क्या खुशबू आती है रात में बारबेक्यू की यहाँ से, आई रियली वॉन्ट टू गो हियर वन डे, पहले मैं रिच हो जाऊँ। अभी मुझे फिर से रोड क्रॉस करनी होगी, रेड लाइट, जब मैं आती हूँ तभी रेड लाइट होती है, बट यहाँ पे अगर सड़क पे कोई नहीं हो ना तब भी सिग्नल चलते रहते हैं रात के 12, 2, 4 बजे भी, दे नेवर ओपन सिग्नल्स। ओके ग्रीन, 28 सेकेंड्स यहाँ पे ज्यादा टाइम है, स्टॉप टैक्सी आई एम गोइंग, ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करते हैं यहाँ पे भी लोग, इतना पेनल्टी होने के बावजूद भी। ओके अनदर ग्रीन सिग्नल, मैं जा रही हूँ फैमिली मार्ट की तरफ, वॉक कर रही हूँ मैं, बेसिकली मेरे घर से 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, एकदम खाली है आज क्योंकि आज वीकेंड नहीं है, आई लाइक इट गाइज। चलो अंदर चलते हैं, साउथ इंडियन फूड प्लस कॉफी, इसमें से कुछ लो क्या, डम्पलिंग्स, आई लाइक दिस, प्राइस लिस्ट लगी हुई है तो गोला, ओके ओके गोला, तो गाइज मैंने ले लिया है एक सुशी और फिश केक्स और मुझे पड़ा है ये 170-180 रुपीज में, लेट्स सी घर जाके खाऊंगी आपको दिखाऊंगी। ये भाई साहब यहाँ पे क्यों साइकिल चला रहे हैं, ये तो वॉकिंग की जगह है। अब मैंने कोई थैली वगैरह नहीं ली, मैं ऐसे हाथ में लेके चल रही हूँ, व्लॉगर्स लाइफ। यू नो आई हैव अ न्यूज़ टू शेयर विद यू गाइस, मेरी मम्मी आ रही है नेक्स्ट मंथ, 1 महीने बाद, इट विल बी सो एक्साइटिंग क्योंकि मम्मी पहले आ चुकी है यहाँ पे, बट मोस्टली बिकॉज जब मेरी डिलीवरी हुई थी उस टाइम आई थी मेरी हेल्प करने, लाइक अ प्लस साइज गर्ल एंड अ वेरी फिट गाय, ऐसे कपल चाइना में बहुत देखने को मिलते हैं गाय। आई बॉट दो सूपी फिश केक फ्रॉम द फैमिली मार्ट, उन्होंने तो थाली नहीं दी, बहुत ही महंगी शॉप है वो, थाली वाली नहीं देते, बट दिस लोकल वुमेन ना लोकल शॉप, इसने मुझे फैमिली मार्ट के खाने के लिए थैली दे दी। देखो जो ओल्डर जनरेशन की औरतें हैं ना, इतनी ज्यादा कंपैशनेट और केयरिंग होती है, आई लव इट, आई लव इट, इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है ना फॉरिनर्स को, बहुत अच्छा लगता है। बहुत हवा चल रही है अभी, घर जाके बात करती हूँ।
कल। मुझे लगा था ओडिन जी बाहर चले गए हैं पूरे दिन के लिए, बट वो यहीं पे हैं। और ये रहा मेरा सामान, थैंकफुली बिल्कुल स्पिल नहीं हुआ है। ओडिन को भूख लग रही हो तो उसको भी दे दूंगी मैं। तो ये रहा इवान के लिए और मेरे लिए स्नैक, मेरे फेवरेट वन। येलो कलर का पैकेट है तो मतलब है कि नॉन स्पाइसी है। रेड कलर का और ग्रीन कलर का, यानी लाल मिर्च और ग्रीन चिलीज। कौन सा है अंदर से मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे जल्दी जल्दी भी चूज कर ली। वो लेडी भी आके खड़ी हुई थी मेरे पीछे। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं हमेशा एक ही ड्रेस पहनती हूँ। बात ही है ना गाइस, मेरे पास यहाँ पे इतने टाइम तक सर्दी रहती है, गर्मियाँ सिर्फ 2 महीने रहती है, तो मेरे पास गर्मी वाले कपड़े बहुत कम हैं। और बट मैं सोच रही हूँ मैं लूँ घर पे पहनने वाले। मैं सुशी का पैकेट खोल रही हूँ अभी। पहले ये खाते हैं फिश केक्स। सुबह से कुछ खाया नहीं, इतना अच्छा लग रहा है ये। इतने सारे मैंने लिए जो टोफू के पिकल्स हैं, ओनली फॉर 170 रुपीज। 1 केजी से भी ज्यादा है ये। इनका दाम केजी के हिसाब से होता है, जैसे इसमें इतना प्रोटीन और कैल्शियम होता है ना, इट इज वर्थ इट बच्चों के लिए। ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा चिली सॉस होता ना तो और भी मजा आ जाता। यहाँ पे हमने देखा ना, रोड पे मैंने दिखाया था प्लस साइज गर्ल और जो फिट बंदा है। वैसे कपल यहाँ पे मैंने इतने देखे ना, पिछले घर में हमारे जो नेबर थे, पड़ोसी, जिनके घर पे हम हमेशा बारबेक्यू वगैरह करते रहते थे, वो भी ऐसे ही थे। उसमें जो बंदी थी वो काफी ज्यादा प्लस साइज थी और शॉर्ट थी, और जो बंदा था वो काफी टॉल था और फिट था। तो मुझे ऐसे देख के लगा कि यहाँ पे काफी एक्सेप्टेंस है साइज को लेके, कंपेयर टू मे बी जो नेबरिंग जापान वगैरह है ना। जापान का मैंने सुना है कि यानी वेट आप गेन नहीं कर सकते, नहीं तो गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ता है वेट लॉस का। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे यानी खाने पे कोई पाबंदी नहीं है और साइज पे इतना कुछ इश्यू नहीं है। और जो नॉर्थ ऑफ चाइना है वहाँ पे हेल्दी लुकिंग लड़कियों को ज्यादा बेटर मानते हैं, हट्टी कट्टी जो होती है लड़कियां, पतलों को इतना अच्छा नहीं मानते। इसलिए मेरी जो मदर इन लॉ है हमेशा बोलती रहती कि वेट गेन करो, खाओ, मुंह एकदम फुला लो, यू नो। तो यहाँ के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है कोरिया जापान जैसे। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और ये मैं खा रही हूँ अभी, श्रिम्प केक्स हैं, अच्छे हैं। बट मुझे ये वाले ना, अगर चाइना में हो ना तो ये डार्क वाले हमेशा लेना। ये जो केक्स हैं, बॉल्स हैं, कन्वीनियंस स्टोर में मिल जाते हैं, ये ज्यादा टेस्टी होते हैं अगर आपको सी फूड का टेस्ट पसंद नहीं है तो। तो ये तो मैं थोड़ा सा टेस्ट कर रही हूँ, अब मैं खाऊंगी ये। इसमें ना क्रैब केक वाली सुशी है, ये वाली जो है सॉसेज, सलामी स्ट्रिप्स, कुकुम्बर, अंडे भी हैं इसमें। यहाँ पे स्मेल सुशी में इसकी आती है, जो बाहर नोरी शीट लगी रहती है। ये होती तो वेजिटेरियन है लेकिन फुल नॉन वेज स्मेल होती है इसकी। कुछ खास टेस्ट नहीं है बट आपका पेट भर जाएगा। नॉर्मल ब्लैंड टेस्ट और पेट भरना हो तो यानी अच्छा ऑप्शन है ये। ठीक है, कुछ खास नहीं है गाइस। लास्ट टाइम जो सुशी खाई थी वो बेटर थी, दिस वन इज बेटर, कुकुम्बर वाली। ये बहुत ही टेस्टी होता है बाबा। अगर आप मान लो चाइना घूमने के लिए आ रहे हो और बहुत सारी चीजें लेके जाना चाहते हो वापस इंडिया, तो ये तो बिल्कुल ही मत भूलना, इसके सारे फ्लेवर्स लेना। ये वेजिटेरियन है बट बहुत टेस्टी, अचार के जैसा टेस्ट आता है। आपने इतना अच्छा टोफू कभी नहीं खाया होगा। च्यूई टाइप की नमकीन, नमकीन का फ्लेवर आएगा आपको, लेकिन होता है ये टोफू, उसमें टोफू का टेस्ट नहीं आता ज्यादा। बहुत एडिक्टिव है, इसका टेक्सचर है ना जो बहुत एडिक्टिव है। ये ओडिन के भैया जी ने गिफ्ट दिया था स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर। ये इतने अच्छे हैं ना, कल रात को मैं और इवान टेरेस पे गए और हम लोग लाउड पे म्यूजिक बजा के इतना डांस किया ना, इवान कम से कम 1-1.5 घंटे तक डांस किया। और इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी है। तो ये ना उसके भैया है जो, उन्होंने ही बनाया ये स्पीकर, उनको बहुत ज्ञान है जो सर्किट बोर्ड वगैरह है ना उसका। उनका सबसे अच्छा गिफ्ट लगा मुझे कि जिससे हमको एक्चुअल में खुशी मिल रही है, रोज हम प्ले करेंगे रात में। Later that same evening. तो शाम को मैं और इवान आ गए टेरेस पे सनसेट देखने के लिए, जो कि इतना सुंदर था। स्काई एकदम ऑरेंज हो जाता है यहाँ पे शाम के टाइम। ये वाला टॉय एकदम स्पाइडर के जैसे चलता है रिमोट कंट्रोल से। नाइस है इवान। यस इवान, लेट्स गो, विल गो अपस्टेयर्स। मैंने स्पीकर ले लिए जो हमको गिफ्ट मिले थे और हम यहाँ टेरेस पे जाके बजाएंगे और नाचेंगे आज। इवान ने म्यूजिक बजाने से पहले डांस करना स्टार्ट कर दिया है, इतना शौक हो गया आजकल डांसिंग का उसका, इंडियन ट्रेन। और ये है हमारा शंघाई सिटी। हाँ इवान, बारबी सॉन्ग। ओके आई विल प्ले।